हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन. द ब्रेन इज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल. स्कल के प्रोटेक्शन के बाद में इसमें थ्री लेयर्स पाई जाती हैं एंड द थ्री लेयर्स आर ड्यूरामेटर. आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड ड्यूरामेटर, मिडल लेयर इज कॉल्ड एरेक्नॉइड एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड पायामेटर. इन द लेयर ऑफ टू लेयर्स के बीच के अंदर एक फ्लूड भरा होता है, एक वाटरी फ्लूड भरा होता है जिसको बोलते हैं CSF, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड इन तीनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है और ये भी ब्रेन को किसी भी जर्क से बचाता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है. तो लेयर्स के बाद में हम देखेंगे कि ब्रेन को कितने पार्ट्स में बांटा गया है. देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ब्रेन: फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. थ्री पार्ट्स आर फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. अगेन द फॉर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. फर्स्ट, फॉर ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. दे आर सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. एंड मिड ब्रेन इज नॉट डिवाइडेड इन एनी पार्ट्स. इट हैज़ फोर लॉब्स. दे आर कॉल्ड सुपीरियर एंड इन्फीरियर लॉब्स. मीन्स सुपीरियर एंड इन्फीरियर लॉब्स मीन्स क्वाडी जेमिना बनाते हैं. ये फोर लॉब्स होते हैं, दो ऊपर और दो नीचे, और उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना. एंड द लास्ट वन पार्ट इज हिंड ब्रेन. एंड हिंड ब्रेन में फिर पार्ट्स होते हैं जिसको हम बोलेंगे सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, तो अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे किस तरह से. फोर ब्रेन, फोर ब्रेन जो होता है वो वापस से फोर लॉब्ड में बांटा गया है. इसके फोर ब्रेन को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर खूब सारे कैसे होते हैं, रिंकल्स प्रेजेंट होते हैं. आपने देखा होगा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जैसे वॉलनट होता है जिसमें रिंकल्स होते हैं, उसी तरह से फोर ब्रेन के अंदर भी रिंकल्स पाए जाते हैं. और ये रिंकल्स उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी नर्व्स होगी और उसकी वजह से उस व्यक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस और मेमोरी होगी. तो जितना इंटेलिजेंट होगा व्यक्ति वो किससे पता लगेगा, तो उसके अंदर जितने ज़्यादा रिंकल्स होंगे, क्योंकि फोर ब्रेन जो है वो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, अटेंशन, मेमोरी, ये सब इसी में ही पाई जाती है फोर ब्रेन में. तो फोर ब्रेन के जो इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन को कि थिंकिंग पार्ट है ये हमारी बॉडी का थिंकिंग पार्ट. जितनी भी मेमोरीज होती है, जितनी थिंकिंग पावर होती है, वो सब किसमें होती है, फोर ब्रेन में. फोर ब्रेन का सबसे पहला पार्ट है सेरिब्रम. तो सेरिब्रम सबसे बड़ा बिगेस्ट पार्ट कहलाता है जो कि ब्रेन के फोर फिफ्थ पार्ट को घेरे रखता है. तो सेरिब्रम जो होता है उसके अंदर फिर से ऐसे फीचर होते हैं जिसको बोलते हैं सेरिब्रो फीचर. और इस फीचर से ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट. तो लेफ्ट एंड राइट पार्ट इसमें पाए जाते हैं, इसको लेफ्ट सेरिब्रम और राइट सेरिब्रम कहते हैं. नेक्स्ट, थैलेमस. थैलेमस जो पार्ट है उसमें सेंटरी और मोटर सिग्नल्स होते हैं, वो उसका सेंटर है. और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस पाया जाता है. ये देखिए, यहाँ पर थैलेमस है. थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपो, हाइपो का मतलब नीचे होना. तो थैलेमस के नीचे जो पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस. ये सेंटर होता है टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर, इमोशंस, जितने भी हैं वो सभी इससे होते हैं, रिलेटेड हाइपोथैलेमस से. और हाइपोथैलेमस से हार्मोन भी सिक्रेट होता है, जैसे ADH हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन. तो आपने देखा फोरब्रेन को, फोरब्रेन के अंदर लॉब्ड होते हैं, फोर लॉब्ड होते हैं जिसको हम चार लॉब का नाम है, फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब एंड टेम्पोरल लॉब. ये फोर लॉब्स होते हैं जो आगे इस साइड पे और पीछे की तरफ पाए जाते हैं. तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, ऊपर वाला सेरिब्रम का है. तो इसमें ये वाला जो आगे वाला पार्ट है वो कहलाएगा आपका फ्रंटल लॉब. यहाँ साइड वाले पार्ट कहलाएंगे पैराइटल लॉब. फिर होगा एसिपिटल लॉब एंड देन टेम्पोरल लॉब. तो फोर लॉब जो होते हैं उसके अलग अलग फंक्शन है. जैसे फ्रंटल लॉब है तो उसमें जितना भी अटेंशन है, जैसे आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो उसको तुरंत गेन कर देना. कोई भी आपको बोला कि आपका नाम लेकर किसी ने पूछ बोला कि टीचर ने कि आप उठो, तो जल्दी से अटेंशन हो जाना. तो अटेंशन जो होता है वो किस में पाया जाता है, फ्रंटल लॉब में. देन पैराइटल लॉब जो होता है वो टेस्ट वगैरह के लिए है.
फिर ऑसिपिटल लोब जितना भी हम देखते हैं उसको जल्दी से आइडेंटिफाई करते हैं, कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, वो होता है आपका ऑसिपिटल लोब में। एंड टेम्पोरल लोब जो होता है वो सुनना और उसको मेमोराइज करने के लिए होता है। जैसे आपने एक बार कोई चीज़ सुन ली, उसको मेमोराइज कर दिया, तो वो किसके लिए वजह से होता है? टेम्पोरल लोब की वजह से होता है। तो इस तरह से आपने याद रखेंगे कि जो अपना आगे वाला जो पार्ट है यानी कि जो फोरब्रेन है उसको लोब में भी बांटा गया है और उसको इस तरह से तीन पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, दे आर सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आप सब जान गए कि इसके अंदर जितना भी सेरिब्रम जो पार्ट है वो इंटेलिजेंसी के लिए है। ठीक है, और जितना भी थंडर आपको हंगर है, इमोशंस हैं, वो सभी आपकी ब्रेन की वजह से होते हैं, वो भी फोरब्रेन। तो फोरब्रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। सेकंड पार्ट है जिसको हम कहेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में फोर लोब होते हैं, सुपीरियर लोब एंड इन्फीरियर लोब। ऊपर वाले लोब को कहेंगे सुपीरियर एंड नीचे वाले लोब को कहेंगे इन्फीरियर लोब। इसका क्या फंक्शन होता है? जितने भी विजुअल रिफ्लेक्शंस होते हैं, जैसे देखने का जितना भी होता है, वो जल्दी हम कोई चीज़ देखते हैं उसको वापस आइडेंटिफाई भी करते रहते हैं, तो किसकी वजह से? सुपीरियर लोब की वजह से। और इन्फीरियर लोब जो होता है ऑडिटरी, जितना भी सुनने का काम है वो ऑडिटरी रीजन कहलाता है सुनने का, और वो होता है इन्फीरियर लोब के पास। और इन चारों लोब्स को मिला करके क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना। क्वाडा मीन्स फोर, फोर लॉब है जिसको बोलेंगे कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना। नेक्स्ट इज ये जो जितना भी मोटर मूवमेंट्स वगैरह होते हैं और ऑडियो विजुअल्स जितना भी होता है, ये सब प्रोसेसिंग मिड ब्रेन के पास है। और ये मिड ब्रेन ऐसा है जो कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का क्या फंक्शन है? इसके अंदर सेरिबेलम पार्ट आता है। सेरिबेलम याद रखेंगे तो इसको लिटिल सेरिब्रम भी कहा जाता है। तो सेरिबेलम का क्या फंक्शन है? जितना भी आपका पॉस्चर है, आपका चलना, आपका एक पांव पे खड़े रह जाना, आपका डांसिंग मूवमेंट जितने भी हैं, जिससे पॉस्चर से रिलेटेड जितने भी बातें हैं, वो कौन करता है? कंट्रोल, सेरिबेलम पार्ट। नेक्स्ट पॉन्स रीजन होता है। पॉन्स रीजन जो होता है वो आपके मेडुला ऑब्लॉन्गेटा और इसके सेरिब्रम के बीच का कनेक्शन है। और ये जो है इसके अंदर जितनी भी रेस्पिरेटरी रिदम होती हैं वो कौन करता है? पॉन्स रीजन करता है। तभी आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड फंक्शन है वो पॉन्स रीजन के पास है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, जिसमें आपके स्लीप और वॉकफुलनेस जो होती है, आपका सोने का टाइम टेबल, आपके जागने का टाइम टेबल, ये सब किससे फंक्शन होता है? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से। और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा ये वाला है जो कि नीचे की तरफ आगे जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा आपका फोरब्रेन। बीच में ये जो पार्ट है ये वाला है थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस। और इसी में आपको मालूम है पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड और इस तरफ पिनियल ग्लैंड पाई जाती है। ये दोनों ग्लैंड कहाँ होती हैं? ब्रेन में होती हैं। देन उसके बाद में जो आप ये वाला रीजन देख रहे हैं छोटा सा, ये कहलाता है मिड ब्रेन, जहाँ फोर लोब्स प्रेजेंट होते हैं। देन पॉन्स रीजन, मेडुला, एंड मेडुला और पॉन्स को मिला करके यहाँ पर कहते हैं इसको ब्रेन स्टेम, क्योंकि एक तरह से स्टेम की तरह लगता है। एंड ये है सेरिबेलम, जो कि आपको मैंने अभी बताया कि ये क्या होता है, आपके पोस्चर को से रिलेटेड होता है, आपका चलना फिरना और आपको बैलेंस करना आपकी बॉडी को, ये किससे रिलेटेड है? सेरिबेलम से। तो ये हो गया आपके ब्रेन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू।